दोस्तों, अगर आपके पास मोबाइल होगा तो आपने कभी ना कभी जो है कस्टमाइजेशन किए ही होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोग कुछ यूनिक कस्टमाइजेशन आप लोग को मैं बतलाने वाला हूँ, जिससे करके आप जो है किसी को भी दिखा सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ऐसे काम करता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और उससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को आप कर दीजिएगा लाइक, अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो। उसके बाद एक जो है आप लोग को कमेंट कर देना है और हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा यूनिक और कस्टमाइजेशन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जो मैंने लिंक में चार एप्लीकेशन का लिंक दिया हूँ उसको आपको जो है वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं, ये जो चार एप्लीकेशन है ये ऐसे एप्लीकेशन है जिसके मदद से आप जो है अपने फ़ोन को कुछ यूनिक जो है आप बना सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले इसके बारे में, तो इस पर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो Shadow KWGT इसका नाम है। और यहाँ पर से आप लोग को इसका सिंपली एक काम है, यहाँ पे इसका जो वॉलपेपर है मैं इसमें से वॉलपेपर एक जो है यहाँ पे चूज कर लूंगा। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको मैं यहाँ पे चूज करता हूँ और यहाँ पे जो साइन का बटन उस पर मैं यहाँ करके और अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अब दोस्तों, जो मेरे यहाँ पे सिस्टम में जो मैंने यहाँ पे पहले आपको दिखाया था उसको आपको यहाँ पर से ये जो है सबको हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आप यहाँ पे वो सबको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे पूरे होम लेआउट को यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ और उसके बाद इस पे आप लोग को सिलेक्ट करके रख लेना है। याद रहे दोस्तों, आप लोग को क्या करना है, वो जो है चार एप्लीकेशन उसको जो है आप लोग को डाउनलोड करके रखना है। अगर आपके पास वन प्लस का फोन है तो ऐसे करके आप जो है क्या कर सकते हैं कि इसका आइकन पैक जो है इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास MI Realme का अगर फोन है तो उसमें जो है दिया होगा, तो वहां से आप जाके उसको आप चेंज कर सकते हैं। नहीं तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, वहां से इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रेस एंड होल्ड करके विजेट पे जाना है और यहाँ पे ये वाला विजेट को आपको जो है चूज कर लेना है। उस पर आप लोग को क्लिक करते ही यहाँ पे आप लोग को अपना साइज जो है यहाँ पे दिखा देना है कि आपको इसका साइज कितना रखना है। तो मैं यहाँ पे इसका जो साइज है थोड़ा सा बढ़ा और यहाँ पे स्क्वायर जैसा कर देता हूँ। और उसके बाद सिंपली आपको इस पे जो है एक बार यहाँ से क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इस पे जो है एक बार क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो है KWGT का जो प्रो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे विजेट होते हैं जिसको आप लगा कर जो है यहाँ पे यूनिक कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को डार्क मोड में अगर लगाना है तो यहाँ पे वो भी जो है विजेट यहाँ पे शामिल है, आप उसको भी लगा सकते हैं। नहीं तो आप अगर रहना चाहते हैं क्लासिक मोड, तो यहाँ पे आप जो है क्लासिक मोड भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे से मैं यहाँ पे कोई एक यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे चूज करूँगा और उस पर आप लोग को सिलेक्ट करके, और आपको यहाँ पे ऊपर में राइट यहाँ पे कॉर्नर में यहाँ पे दिख रहा होगा एक सेव बटन, तो आप लोग वहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। घबराइए नहीं दोस्तों, आप लोग को फेसबुक का आइकन, यूट्यूब का आइकन, ये सब आप लोग इसमें लगा सकते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में आप लोग को बतलाऊँगा। तो यहाँ पर आप लोग को फिर से एक बार सेलेक्ट करना है और फिर से आपको नीचे लेना है और उसी को जो है यहाँ पर लाना है जो वन बाई वन करके था विजेट, उसको यहाँ पे जो है आपको जितना स्पेस चाहिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके हिसाब से ही यहाँ पे जो ऐसा यहाँ पे विजेट चूज करना है जो आप लोग जितना बड़ा आप स्क्वायर किए हैं उसमें ये जो है एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे चूज कर लेता हूँ जो उसी के हिसाब से यहाँ पे रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं चूज करता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पे सेव करूंगा तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि कटा छटा यहाँ पे जो है दिख रहा है। लेकिन दोस्तों इसका भी उपाय है, आप यहाँ पे लेयर में जाके इसका जो है यहाँ पे साइज इसका कम कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे 100 से मैंने इसको जो है 50 कर दिया है, उसके बाद में यहाँ पे सेव करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पे सुंदर सा यहाँ पे लग गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायलर बटन है, यहाँ पे जीमेल है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, ये सभी यहाँ पे ऑप्शन जो है आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक और मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे मैं फिर से वन बाई वन का यहाँ पे करता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे लाना है और आपको जितना भी यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है आप उतना यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद उसी हिसाब से आप जो है यहाँ पे एक विजेट को लाके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लाने वाला हूँ वॉच को, तो जिसका वॉच जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमको दिख रहा है, तो मैं उसमें इसको जो है एडजस्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं चूज कर रहा हूँ यहाँ पे व्हाइट वाला, और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए और इसके बाद आपको जो है सेव कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेव कीजिएगा आप यहाँ पे देख लीजिए ये जो है आ गया है। अब आपको क्या करना है, नीचे में जो भी आप यहाँ पे आइकन लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे आसानी से
कर सकते हैं या फिर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको जो है एक बार से लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने जो है यहाँ पे सभी चीज़ लगा दिया, लेकिन यहाँ पे फोटो और हमारा जो है फेसबुक का ये जो आइकन है ये यहाँ पे जो है काम नहीं कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें इस डायलर का, तो आप जो है यहाँ पे कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, आप वहाँ अपना नाम अपना कैसे जो है यहाँ पर लगा सकते हैं, तो सिंपली उसको आपको जो है उस पर क्लिक कर देना है और लेयर में नहीं जाना है, आप लोग को यहाँ पर जो है गोल्स में जाना है और उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 20 है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसका शेप वगैरह सभी चीज़ को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर तो अगर आप इसको जो है आगे अगर बढ़ाते हैं तो ये जो है आइकन यहाँ पे ये जो गोल हो जाएगा, अगर आप इसको कम पे रखते हैं तो जैसा आपका पहले था वैसा ही यहाँ पे रहेगा। अब उसी तरीके से दोस्तों आप अगर चाहते हैं इसका कलर चेंज करना तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर चाहते हैं कि इसका ब्लरिंग जो है उसको यहाँ पर हम कम कर दें तो वो भी काम कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहते हैं इसका शैडो वगैरह बढ़ाना तो आप जो है यहाँ से शैडो वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए मैंने इसका जो है शैडो बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर मैं जैसा है वैसा ही पे सिलेक्ट करता हूं और यहां पे दोस्तों आप सिलेक्ट कीजिएगा तो वहां पे आप लोग को जो है इमेज चूज करने के लिए देगा। तो मैं यहां पे कोई एक से यहां पे इमेज चूज करूंगा तो यहां पे देखेंगे कि आपका जो इमेज है यहां पे सेट हो गया है। अब यहां पे दोस्तों नेम यहां पे लिखा हुआ आ रहा है उस पे आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो है इसमें भी जाके अपना नाम जो भी यहां पे लिखना है वो आप यहां पे लिखिएगा तो देखेंगे कि फोटो के नीचे जो है आपका नाम यहां पे सेव हो गया है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को शॉर्टकट में जाना है और वहां पे देखना है दोस्तों ट्विटर है, फेसबुक है और यहाँ पे इंस्टाग्राम है। तो फेसबुक हमारा इसलिए नहीं खुल रहा था कि मैंने जो है यहाँ पे फेसबुक का एप्लीकेशन डाउनलोड करके नहीं रखा था। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे लाइट रखा हूँ तो मैं यहाँ पे लाइट को यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा और उसके बाद जो यहाँ पे हमारा जो है सभी काम कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पे उसके बाद दोस्तों आप लोग जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा कि आपका फेसबुक वगैरह सभी चीज जो यहाँ पे सही तरीके से यहाँ पे जो है काम करने लगेगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए जीमेल तो हमारा काम कर रहा है लेकिन हमारा जो है यहाँ पे डायलर वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको इस पे जो है सिलेक्ट करना है और फिर आपको चलना है इसी आपको ग्लोबल पे और उसके बाद यहाँ पे आप वैसा ही कर सकते हैं जैसा मैंने आप लोग को पहला बताया था। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को एक यहाँ पे इमेज चूज कर लेना है, तो मैं यहाँ पे किसी का एक इमेज चूज करता हूँ तो देखिए वहाँ पे इमेज चूज हो गया है। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग को नेम यहाँ पे चेंज करना है तो आप यहाँ पे नेम चेंज कर दीजिए। और उससे पहले अगर अभी तक ने इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। नाम लिखने के बाद दोस्तों आप जो है यहाँ पर उसका जीमेल जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं और अपना यहाँ पर खुद का जो है यहाँ पर जीमेल को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेट करने के बाद दोस्तों आप लोग को करना क्या है, इसी वाले सेव बटन पर आप लोग को यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। उससे पहले मैंने यहाँ पर जो है डायलर काम नहीं कर रहा था और आपको नहीं यहाँ पे पता है कि कौन से चीज़ पे सिलेक्ट करने पे क्या आता है, तो सिंपली आप जो है उस पर टिकआउट कीजिएगा तो उस पर बन जाएगा कि हाँ मैं यहाँ पे इसको जो है सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे इसको जो है कॉन्टैक्ट यहाँ पे चूज कर लिया हूँ और उसके बाद यहाँ पे सेव करूँगा तो ये सेव हो गया। अब मैं यहाँ पे इस पर जो है सिलेक्ट करूँगा तो देखेंगे कि मेरा जो कॉन्टैक्ट है वो डायरेक्ट यहाँ पर जो है ओपन हो जा रहा है। दोस्तों इस तरीका से करके आप अपने किसी भी फ़ोन में, चाहे वो वन प्लस का हो चाहे वो रियलमी MI कोई भी हो, उसमें आप जो है एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और एक कमेंट तो आप करिएगा जरूर कि आपने ये जो फंक्शन है उसको किया है या फिर नहीं, और YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।